नक्षीक करेंगे कार्यपत्र 39 में विज्ञान की। निषेचन निषेचन वह प्रक्रिया है जहाँ नर और मादा युग्मक मिलकर सलयनिक संरचना बनाते हैं जिसे युग्म नज के रूप में माना जाता है। तो अतः भ्रूण में विकसित होता है। तो जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया दो तरीकों से होती है। एक जहाँ निषेचन बाहरी रूप से होता है जिसमें अणाणु और शुक्राणु का सलयन मादा से बाहर होता है, बाहरी निषेचन के रूप। तो इनमें जाना जाता है कि जो दूसरा है कि शुक्राणु और अंडाणु का सलयन मादा शरीर के अंदर होता है जो आंतरिक निषेचन कहलाता है। तो इसी के बेस पर जंतुओं को अंडप्रजव और जरायु जंतुओं में वर्गीकृत किया गया। तो अंडप्रजव ये जंतु अंडे देने वाले होते हैं, इनमें भ्रूण का विकास बाहरी संसाधनों से होता है। एक बार भ्रूण के परिपक्व होने पर अंडे का कठोर आवरण उसे सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण पक्षी, मेढक, मछली। जरायु ये जंतु संतान को जन्म देते हैं, इनमें आंतरिक निषेचन और भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण कुत्ते, बिल्ली, मनुष्य। अब आपका डिफरेंस है आधार अर्थ पर अंडप्रजक अंडे देते हैं, जरायु युवा को जन्म देती है। निषेचन अंडप्रजक में बाहरी और आंतरिक होती है बल्कि जरायु में आंतरिक ही होती है। भ्रूण का पोषक तत्वों की आपूर्ति और अंडप्रजक में भ्रूण को अंडों की जड़ी से पोषक तत्व मिलते हैं और जरायु में भ्रूण को माँ से पोषक तत्व मिलते हैं। जीवित रहने की संभावना है चूंकि बाहरी वातावरण में अंडे रखे जाते हैं और जरायु में हमारे पोषण और देखभाल माँ द्वारा प्रदान किया जाता है। उदाहरण मछली, उभयचर, कीट, पक्षी और जरायु मनुष्य, कुत्ते, हाथी, बिल्ली। अब अंडप्रजक जंतुओं के भ्रूण का पोषक तत्व, तो इनको पोषक तत्व जर्दी से मिलते हैं। अंडप्रजक और जरायु में अंतर आप ये देख सकते। निम्नलिखित जानवरों को अंडप्रजक और जरायु में क्लासिफाई करें। तो अंडप्रजक कीड़े और मछली, जरायु मनुष्य और बाघ। आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के संग, तब तक के लिए बाय।